सो हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइज, आज की वीडियो के अंदर हम खेलने वाले हमारा सर्वर जो कि पीछे दिख ही रहा है, कितना प्यारा है भाई साहब। और गाइज, एक और मेंबर ज्वाइन हुआ है VSM Gamer 64 के अलावा, तो उसकी खुशी भी मनानी है। तो एक प्लेयर तो ज्वाइन हो चुका है और भाई साहब, अरे दोनों तरफ से अलग अलग दिख रहा है। तो गाइज, यहाँ पर एक प्लेयर ज्वाइन हुआ है, मैं कह रहा हूँ वैसा तो सच में ज्वाइन हुआ है गाइज। तो मैंने उसके लिए सारी तैयारी करके रखी है। सबसे पहले जो पीछे जो हाउस दिख रहा है, ये वाला, हाँ ये वाला ही, तो ये मैंने खास करके दो बंदों के लिए बनाया था, लेकिन उसके अंदर कुछ मॉडिफाई करके तीन लोगों का हाउस बना दिया है। तो चलो गाइज, वही मैं आज की वीडियो के अंदर दिखाने वाला हूँ आपको। और जो मैंने बनाया ना गाइज, उसको लगी है 2 घंटों की मेहनत। 2 घंटों की मेहनत के बाद गाइज वो बना है। तो आज की वीडियो बहुत छोटी होने वाली है, लेकिन और चलो यार, जल्दी से उस घर के पास जाते हैं। ओके, तो गाइज अभी फर्स्ट पर्सन से आ चुका हूँ और मैं यहाँ पर एक प्यारी सी वाटर बकेट क्लच करने की ट्राई करूँगा। अरे वाह भाई, एकदम बढ़िया वाटर बकेट क्लच की थी मैंने। तो गाइज, ये मैं दिखाने वाला हूँ, सिंपल सी बात है। तो ये दिखाने वाला हूँ, सबसे पहले आता है मेरा हाउस और ये आता है फिर VSM Gamer 64, फिर जो न्यू प्लेयर आया है उसका आता है, उसके बाद आता है हमारा ये देख सकते हो, अंदर से मैंने फुल मॉडिफाई किया है। यहाँ पर एक बीच में दीवार थी और ये जो दिख रही है, यहाँ पर ना एक वॉल लगी थी जो कि मैंने ब्रेक करके ऐसा बना दिया। जैसे कि यहाँ पर इसके लिए 5 ब्लॉक है और यहाँ पर जाएंगे तो मेरे लिए भी 5 ही ब्लॉक है, और अगर देखेंगे तो सेम ही साइज़ है तीनों की भी, जैसे कि देख सकते हो। अभी तो मैंने अंदर फर्नीचर वगैरह कुछ भी नहीं डाला हुआ है, लेकिन यहाँ पर ना जो दिखता है, यहाँ पर टॉर्च बाकी है लगानी, तो यहाँ पर टॉर्च लगानी बाकी है। और इस तरफ अगर देखें तो इस तरफ भी टॉर्च लगी हुई है ऑलरेडी, और ऊपर का भी दिखा देता हूँ गाइस मैं। तो ऊपर का कुछ इस तरीके से देख सकते हो, यहाँ पर मैंने मॉडिफाई किया है कुछ। तो इस तरफ मैं इस ये वाला दिखाता हूँ कैसा है। तो अगर इस तरफ जाएंगे तो सिंपल से ऐसे ही सीढ़ियाँ है जैसे थी पहले, और ये ज़रा सा हटके, मतलब कि थोड़ा सा इसके अंदर ज़्यादा उजाला भी आ रहा है क्योंकि 2 दरवाजे, इसके लिए 2 एंट्री है। तो ये होने के बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर VSM Gamer 64। तो उसके लिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर इसके लिए ज़्यादा टॉर्चेस है ताकि वो दूसरी दीवार पे भी लगा पाए। और अगर इस तरफ देखा जाए तो ऊपर का फ्लोर इसका भी बढ़िया है। वैसे मेरा हाउस तो ऐसे चुपके से ऐसे देख नहीं सकता वो। और गाइज, मैंने इसके अंदर भी बहुत कुछ मॉडिफाई किया, जैसे कि शो कोऑर्डिनेट्स वाला। तो अगर आपको भी चाहिए शो कोऑर्डिनेट्स सर्वर के अंदर, तो मेरे को ज़रूर बताना कमेंट में, मैं उसकी वीडियो डाल दूँगा कि कोऑर्डिनेट्स कैसे चालू करते हैं सर्वर के अंदर। तो यहाँ पर बटन्स भी हाइड करके रखे जो कि नहीं होते, ऑफ कोर्स नहीं होते वो। और यहाँ पर देख सकते हो, ये मेरा वाला एरिया है। और इस तरफ मैं फैंस भी लगाने वाला हूँ, लेकिन फैंस थोड़े बहुत ऊंचे लगेंगे, इसके लिए मेरे को थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो फैंस के अलावा मैं कुछ भी लगा सकता हूँ। तो इस तरफ आपने ये सब चेकआउट तो कर लिया। इस तरफ देख सकते हो, 2 आर्मर स्टैंड मेरे पास थे जो कि मैंने यहीं से निकाले, यहाँ पर रखे हुए थे। यहाँ पर से डोर था हमारा, लेकिन उसको साइड में हटाना पड़ा। और अभी इसको हम यहाँ पर रख सकते, कहाँ पर रखे भाई। ओके, तो रख देता हूँ मैं इसे यहाँ पर। ओके, ये भी बढ़िया है काफ़ी। और अगर देखा जाए तो यार, ये तो सिर्फ ऐसे VSM Gamer 64 के लिए और ये मेरे लिए बना हुआ है, तो मैंने एक फर्नेस इसीलिए लाया है। और एक क्राफ्टिंग टेबल है मेरे पास, और फर्नेस और क्राफ्टिंग टेबल तो हो चुके हैं, अभी बनता है हमारा चेस्ट, तो उसके लिए भी मैंने करके रखा है ऑलरेडी, सामान तो है हमारे पास। तो
जो जो नया बंदा आ रहा है उसके लिए मैं कुछ इस तरीके से डिज़ाइन करने वाला हूँ, और इस तरफ से भी वैसे ही करने वाला हूँ। ओके, तो उसकी सारी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि इस साइड हो जाएगा हमारा फर्नेस, और यहाँ पर रहेगा हमारा क्राफ्टिंग टेबल, और क्राफ्टिंग टेबल के अंदर से यार एक चेस्ट बना लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पर चेस्ट भी कंप्लीट हो चुका है हमारा, और इसे रख दे यहाँ पर, और इसका आर्मर स्टैंड तो बाकी है ना अभी, तो उसके लिए भी मैंने तैयारी करके रखी थी। मैंने रखा हुआ था उसके अंदर, मतलब कि मेरा जो चेस्ट था उसके अंदर। और गाइस, मैं गया था एक हंटिंग पे, लेकिन मुझे कुछ और ही मिला, तो उसके अंदर मुझे ये जो दिखता है स्टैक स्टैक आयरन्स मिले। और सबसे पहले मैं यहाँ से स्मूथ स्टोन स्लैब ले लेता हूँ, स्टिक्स भी है ये भी उठा लेता हूँ। और गाइस यहाँ पर बहुत कुछ है, पहले सो लेता हूँ। ये तीसरा बेड भी मैंने उसके लिए ही सजा के रखा है, और जल्दी से सो के उठते हैं। तो गाइस यहाँ पर लग जाएगा इसका चेस्ट, तो इसके लिए भी अलग से जो प्लेयर है ना भाई, वो तो खेलता अच्छा है माइनक्राफ्ट। और तो कुछ नहीं, उसका मैं बताने वाला हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर जल्दी से मैं आर्मर स्टैंड बना लेता हूँ, उसके लिए जल्दी से स्टिक बनानी पड़ेगी। स्टिक बन जाती है बेड वाले ऑप्शन पे, तो ये आर्मर स्टैंड आ चुका है हमारा एक, और इस आर्मर स्टैंड को हम रख देते हैं यहाँ पर। ओके, तो जैसे ही वो चेस्ट भी खोल पाए और इस तरफ वो सारी चीज़ें यूज़ कर सकता है। ये तो स्पेशली उसके लिए, ये मेरे लिए, और ये समझो ये उसके लिए VSM नंबर 64 के लिए। और अगर इसको थोड़ी दिक्कत आती है तो मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो एरिया है ना, इतना एरिया तो नहीं कर सकता मैं। चलो कोई नहीं, कर दूंगा उसके लिए बढ़िया। आर्मर स्टैंड को चेस्ट के ऊपर रख दूंगा, और उसके लिए भी थोड़ा बहुत साइड, मतलब कि जगह बनाएंगे स्पेस, क्योंकि ये ज़्यादा स्पेस हो रहा है हमारे लिए, और इसके लिए छोटा सा स्पेस है। इसका एंट्री होता है यहाँ से, तो मैं एक काम करता हूँ जल्दी से यहाँ पर ना। ओके, नहीं इसको मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। डोर तो हमारा यहाँ पर लग जाएगा इस तरफ, दो डोर भी बनाना बाकी है, तो एक काम करता हूँ जल्दी से इसके क्राफ्टिंग टेबल के अंदर मैं डोर बना लेता हूँ जल्दी से। तीन डोर्स काफ़ी है, तीन डोर्स होने के बाद ये इसका लग गया, और ये मेरा वाला, और लग गया यहाँ पर गाइस ये VSM मेमो 64 का। तो इस तरफ अरे यार एक और डोर चाहिए, तो उसके लिए भी मुझे क्राफ्ट करना पड़ेगा जल्दी जल्दी। तो गाइस यहाँ पर मैं ये भी कर लेता हूँ जल्दी से। तो गाइस हमारे यहाँ पर हो चुका है टोटल। तो गाइस अगर देखा जाए तो इस तरफ मेरे पास यहाँ पर, चलो देखते हैं यार जल्दी से, मैं बेड्स भी लगा देता हूँ, एक्स्ट्रा बेड्स रहेंगे वैसे। उसके लिए मुझे जल्दी से दो आयरन्स का शवल, मतलब कि वो शेयर बनाना पड़ेगा। और चलो जल्दी से कौन सी वाली, चलो एक बार ही देखते, अगर अच्छी वाली मिल गई ना तो एक काम करता हूँ, वाइट ही वुल ले लेता हूँ, जितनी मिलती है उठा लो भाई। अरे यार इसके नहीं चाहिए थी, कोई नहीं, चलो 9 वुल हो चुकी है ना टोटल, तो जितनी चाहिए थी उतनी है गाइज हमारे पास। तो जल्दी से मैं बेड लगा के कर लेता हूँ काम ख़त्म, और इस तरफ मैंने क्राफ्टिंग टेबल रखा हुआ है, तो जल्दी से। अरे यार नहीं बनेगा शायद से, मेरे पास वुड कम पड़ गई सच में। नहीं, दो बेड तो ऑलरेडी बन जाएंगे, और एक बेड तो गिरा हुआ है जो कि मेरा है, तो एक काम करता हूँ मैं इन दोनों का बेड लगा के आ देता हूँ। सबसे पहले में आएगा इसका बेड, जो कि लग जाएगा इस तरफ,
कुछ इस तरीके से। और अगर आता है हमारा दूसरा बेड तो वो कुछ इस तरीके से लग जाएगा, देखते कहाँ पर, ओके इसी एरिया में लग जाएगा। तो उनका चेस्ट और क्राफ्टिंग टेबल तो इस तरफ रहेगा, फर्नेस वगैरह भी इस तरफ रहेंगे। और इस तरफ गाइज हम रख देते जल्दी से, मतलब कि वीडियो को ख़त्म करना है हमें। तो गाइज आपने सब कुछ तो देख लिया होगा, ऊपर जाकर एक बारी टेरिस पे दिखा देता हूँ, टेरिस नहीं दिखा होगा आपने, तो टेरिस भी देख लिया कैसा है। तो ये अपग्रेड्स मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करूँगा, इसके लिए गाइज नेक्स्ट वीडियो तक रुकना, मतलब कि नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से आना और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो जो भी चैनल पे नया है। तो गाइज़ आज की वीडियो के लिए इतना ही, तो गाइज़ मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, तो तब तक के लिए बाय बाय।